महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हों जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हां लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए?
इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया, ले लक्ष्मी आज से तू पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत